आज बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। देखो सर, तो इंक्लाइन प्लेन पे एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा जिसका कुछ एंगल है लेट अस से अल्फा। इसके ऊपर हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल को फायर किया लेट अस से, ये वाला एंगल जो है वो बीटा है। ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है। अब इस प्रोजेक्टाइल को हम एक कंडीशन में अप द इंक्लाइन प्लेन फायर कर सकते हैं और दूसरी कंडीशन में डाउन द इंक्लाइन प्लेन भी फायर कर सकते हैं। बीटा एंगल से डाउन द इंक्लाइन, दोनों केस हमको पढ़ने हैं। समझ में आई बात? यस सर। एक कंडीशन में अप द इंक्लाइन प्लेन फायर किया, एक कंडीशन में डाउन द इंक्लाइन प्लेन में फायर किया। ठीक, ये अप द इंक्लाइन प्लेन, फिर डाउन। ठीक, तो क्या होगा जब वो हवा में आई? तो फिर तो वही बात होगी जो पहले थी, उसकी एक ट्रेजेक्ट्री होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी, वो कोई पाथ फॉलो करेगी, उसका एक एक्सेलरेशन होगा चाहे अप द इंक्लाइन प्लेन चाहे डाउन द इंक्लाइन प्लेन। उसका कितना होगा एक्सेलरेशन? माइनस जी डाउनवर्ड, माइनस जी या जी डाउनवर्ड, है ना? माइनस जी जे कैप बोल दो या जी डाउनवर्ड बोल दो, बात बराबर है ना? अगर उसके एक्सेलरेशन की बात किया जाए, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है ना? इस वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं माइनस जी जे कैप, क्या हम बोल सकते हैं जी वेक्टर डाउनवर्ड। ये माइनस साइन यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन बताने की तो है ना? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है थ्रू आउट द जर्नी। अब हम किन चीजों में इंटरेस्टेड होंगे? हम इंटरेस्टेड होंगे इसको यहां से यहां गिरने में, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर गिरने में कितना टाइम लगा। हम इंटरेस्टेड होंगे इसके टाइम ऑफ मोशन में, टाइम ऑफ जर्नी में। हम इंटरेस्टेड होंगे किसमें? इस रेंज को निकालने में, इस डिस्टेंस को, यहां से यहां तक वाली डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? इस इंक्लाइन प्लेन पे रेंज बोल देंगे। हम इस रेंज निकालने में भी इंटरेस्टेड होंगे, बोलो, है ना? यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम रेंज बोल देंगे, इस रेंज निकालने में भी इंटरेस्टेड होंगे हम लोग। उसके अलावा हम लोग चाहें तो इसकी मैक्सिमम हाइट, अगर हम बोलें, अगर इसकी हम मैक्सिमम हाइट बोलें, इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट, तो इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट कहीं ये वाली हाइट होगी एच। इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट ये वाली हाइट होगी एच, बोलो, yes. है ना? अदरवाइज इसकी जो मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से होगी वो कुछ इस पॉइंट पे होगी, कहीं और हो सकती है, है ना? वो हाइट अलग हाइट है, ठीक है? हमें क्या है इस बार, इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम दूरी निकालनी है उस प्रोजेक्टाइल की, है ना? वी वांट टू फाइंड मैक्सिमम हाइट। व्हाट वी वांट टू फाइंड? टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वी वांट टू फाइंड, और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। These are the quantities we are interested to find. ठीक, इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जाएगा? नॉर्मल ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है। हमें मालूम है कि इसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, इसके बराबर माइनस जी जे कैप के बराबर एक कॉन्स्टेंट है ना?
देखो इधर, अब इसको करने की अप्रोच थोड़ी सी अलग है, वही अप्रोच हमको जाननी है बस, चाहे अप द इंक्लाइन हो चाहे डाउन द इंक्लाइन हो, दोनों कंडीशन में जो अप्रोच होगी वो एक ही होगी, थोड़ी सी अलग अप्रोच है। जितने भी क्वेश्चन इंक्लाइन मोशन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल के हैं, ध्यान रखिए, उनको हम इस नई वाली अप्रोच से ही करेंगे, ठीक। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अप द इंक्लाइन की, बाद में हम लोग बात कर लेंगे डाउन द इंक्लाइन। उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u बोल देते हैं, ठीक, अप द इंक्लाइन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, x एक्सिस जो हम लेते थे और y एक्सिस जो हम लेते थे, ये x और y एक्सिस हम नॉर्मली जो हम लेते हैं, हमारा जो सेंस है वो क्या है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस बोलते हैं, है ना। बोलो बोलो, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल x और y एक्सिस को हम चाहें अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक, हम उसको चाहें तो ऐसे किसी डायरेक्शन में भी ओरिएंट कर सकते हैं। इसके बारे में वेक्टर्स में डिस्कशन हुआ था, x और y एक्सिस ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो और वर्टिकल लाइन हो, हम x और y एक्सिस कोई भी दो डायरेक्शन ले सकते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक। क्या रिक्वायरमेंट है, ये दोनों एक्सिस क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट, कोई भी वेक्टर है ए, उसका कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विल बी अलोंग विच डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शंस, है ना, उस वेक्टर का असर हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ होगा, एक्सेप्ट किसमें, परपेंडिकुलर, है ना। बोलो, अगर ये वाला वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट अगर ये एंगल थीटा वन है तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा वन, और अगर इस डायरेक्शन में मुझे बोलना है और ये वाला एंगल अगर थीटा टू है तो इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट हो जाएगा इस वेक्टर का, ए कॉस थीटा थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा टू, ना, इस डायरेक्शन में होने वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा टू के बराबर होगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ए कॉस थीटा वन होगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ए कॉस थीटा टू हो जाएगा। बोलो, यस सर, ठीक। अलग अलग डायरेक्शंस में उस वेक्टर के कंपोनेंट अलग अलग होंगे, किसी भी वेक्टर का हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ कंपोनेंट हो सकता है ना। ध्यान रखने वाली बात है, जी भी एक वेक्टर है, ठीक। तो जब हमने लेट अस से अप द इंक्लाइन प्लेन किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, जब हमने अप द इंक्लाइन प्लेन किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो जी वेक्टर है। बोलो बोलो बोलो, हम एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को नए रेफरेंस फ्रेम में करते हैं, उस नए रेफरेंस फ्रेम में करने पे प्रॉब्लम आसान हो जाएगी, टफ नहीं होगी, आसान हो जाएगी, सब कुछ निकालना, रेंज निकालना, हाइट निकालना आसान हो जाएगी। वो नए रेफरेंस फ्रेम से मेरा मतलब है कि लेट अस से ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस मान लिया जाए और ये वाली एक्सिस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस वाई एक्सिस मान लिया जाए,
तो एक्स एक्सिस अलोंग इंक्लाइन प्लेन मान लिया जाए और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन मान लिया जाए। बोलो, ऐसा करना फायदेमंद रहेगा। बोलो यस। ठीक, तो सुनो मेरी बात, कौन कौन से वेक्टर्स हैं? एक वेक्टर है हमारा यू, इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर। दूसरा वेक्टर है हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर जी डाउनवर्ड, है ना। अब हमें इन दो एक्सेस के लॉन्ग इन वेक्टर्स के कंपोनेंट निकालने होंगे, इन दो एक्सेस के लॉन्ग इन वेक्टर्स के कंपोनेंट निकालने होंगे। जहां तक बात है यू वेक्टर की, आई कैन से यू वेक्टर इज इक्वल टू यू कॉस बीटा आई कैप प्लस यू साइन बीटा जे कैप। बोलो, इधर वाला कंपोनेंट यू कॉस बीटा, यू वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट यू साइन बीटा, इसमें अल्फा का कोई रोल नहीं आया। बोलो बोलो। यस सर। पक्की बात है? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ये हमने इस नए, अब हम देखो, अब हम इस यू वेक्टर का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में निकालने में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इस यू वेक्टर का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में निकालने में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हम इस यू वेक्टर का कंपोनेंट इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग निकालेंगे और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन के अलोंग निकालेंगे। सारी प्रॉब्लम को ये रिवर्स कर देंगे, हम चेंज कर देंगे, हम घुमा देंगे। उससे क्या होगा फायदा? आसान होगा। यही करने का तरीका है, बाकी और कोई तरीका, लंबा तरीका क्यों जाए, है ना। एक लंबा तरीका भी हो सकता है, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे करते हैं, लेकिन उस पर क्यों जाए जब हमें मालूम है कि शॉर्टकट मेथड है ये। उसके अलावा सर, पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करने से जो ग्रेविटी लग रही थी ग्राउंड की तरफ परपेंडिकुलरली, तो वो अब प्लेन की तरफ परपेंडिकुलर लगेगी। सुनो मेरी बात, इतना सोचना ही नहीं है, बस जी का कंपोनेंट लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग। भाई जी भी एक वेक्टर है, जी का भी कंपोनेंट हो जाएगा इस नई एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। बोलो। यस सर। है ना। यस सर। बस किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट हर डायरेक्शन में भी होता है, तो हम जी को एक वेक्टर के रूप में लेते हैं। बस उस जी वेक्टर का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, उस जी वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी होगा। बोलो। ठीक, अब सुनो मेरी बात, जी वेक्टर का, जी वेक्टर किधर की तरफ है? जी वेक्टर डाउनवर्ड है। जी वेक्टर का इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना कंपोनेंट होगा? माइनस जी साइन अल्फा। और इस वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना कंपोनेंट होगा? माइनस जी कॉस अल्फा। वेरी गुड। जी वेक्टर का भाई ये वाला एंगल कौन सा एंगल है? अल्फा है, इसको बीटा से कोई मतलब नहीं है। जी वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये वाला एंगल कौन सा एंगल है? अल्फा है, तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। तो जी के जो दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ कंपोनेंट होगा और एक इधर की तरफ कंपोनेंट होगा। ठीक, जी को हमने इन दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर दिया, इन दो डायरेक्शंस के अलोंग रिजॉल्व कर दिया। ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शंस है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जी साइन अल्फा हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जी कॉस अल्फा हो जाएगा। तो जी वेक्टर को हम लोग क्या लिख देंगे? माइनस जी साइन अल्फा आई कैप माइनस जी कॉस अल्फा जे कैप। बोलो।
ये बात हमें समझ में आनी चाहिए हम क्या करते हैं ना, यही चीज समझने वाली है, बाकी सारी चीजें तो जैसे पहली थी वैसे ही होंगी। माइनस क्यों किया है? क्योंकि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन इधर की तरफ और इस जी का कंपोनेंट इधर उल्टे है एक्स एक्सिस के, उसी तरीके से जी का कंपोनेंट वाई एक्सिस के अपोजिट है। ये बात हमें समझना है अच्छे तरीके से, ठीक। एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके आगे हम तभी बढ़ेंगे जब इसको हम समझ जाएंगे, इसको हम याद कर लेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है ना, हर लाइन की इम्पोर्टेंस इक्वल नहीं होती है। अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक। अगर ये याद नहीं रहा आगे वाली चीजें भी भूल जाएंगे। ये मैंने क्या किया है, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। वेक्टर से रिपीट हो रही हैं और वेक्टर में और कुछ भी नहीं है। ये जी वेक्टर का मैंने दो डायरेक्शंस में कंपोनेंट लिया है बस। बोलो बोलो। यस सर। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। दस इस x और y एक्सिस के अलावा g का x कंपोनेंट कितना है? x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ax इज इक्वल टू माइनस g साइन अल्फा। बोलो। इंक्लाइन प्लेन के अलांग g का कंपोनेंट g साइन अल्फा होता है। ये बात आगे भी बहुत बार आएगी, ठीक, ये बात याद हो जाएगी। और y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए वाई माइनस जी कॉस अल्फा के बराबर है। बोलो बोलो। यस। ठीक, अब मुझे आगे कुछ नहीं करना है। अगर एक्स ये जी साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल भी किसी प्रॉब्लम में कांस्टेंट होगा, जी कॉस अल्फा भी कांस्टेंट है, सिंपली हम बोलेंगे Vx will be equal to Ux minus Gx into t. X will be equal to Uxt minus half Gxt square. Vx square will be equal to Ux square minus 2G X into X. ये हो जाएगी X direction में motion और Y direction में motion. Vy will be equal to Uy minus Gyt. Y will be equal to Uyt minus half Gy t square. Vy square will be equal to Uy square minus 2Gy into y. इस बार क्या हो रहा है? इस बार x direction, हमें x direction और y direction को separately देखना है। इस बार इस x एक्सिस के लिए इस x डायरेक्शन में भी g का कंपोनेंट है। बोलो। इस x एक्सिस के लिए इस x डायरेक्शन में भी g का कंपोनेंट है या नहीं है? यस सर। है ना? यस सर। यस सर। और y डायरेक्शन में भी g का कंपोनेंट है? g नहीं है, g का कंपोनेंट है। उस डायरेक्शन में g पूरा नहीं है, जी का एक पार्ट उस डायरेक्शन में अपना असर दिखा रहा है। वेक्टर के क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं। एक वेक्टर का एक किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ही उस डायरेक्शन में उस वेक्टर का असर होगा। वो पूरा वेक्टर एक डायरेक्शन में है। वेक्टर के क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं। याद है सारी बातें? हर कंपोनेंट प्ले करता है, ठीक। हो गया मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन पूरा, जहां जीएस किसके बराबर है, यहां जीएस किसके बराबर है, जीएस किसके बराबर है? जीएस किसके बराबर है? माइनस जी साइन अल्फा। जी साइन अल्फा के बराबर है। माइनस तो हमने पहले ले लिया ना यहाँ पे,
है ना? यस यस। या तो हम बोलते भाई जी एक्स ले लेते, पॉजिटिव ले लेते, तब यहाँ माइनस करते। माइनस तुमने पहले ले लिया ना, और जी वाई किसके बराबर है? जी कॉस अल्फा के बराबर। यूएक्स किसके बराबर है? यूएस इसके बराबर है? कॉस बीटा। यू कॉस बीटा। यू वाई किसके बराबर है? यू साइन बीटा। यू साइन बीटा। कुछ टफ लगा आप लोगों को? स्टफ लगा आप लोग? कुछ स्टफ है क्या इसमें? सिचुएशन बहुत सारी बढ़ गई, टफ है ना? इतनी सारी इक्वेशन सामने आ गई हैं। एक्स में भी एक्सेलरेशन है इस एक्स डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में भी इस जी वेक्टर का एक कंपोनेंट है। नंबर ऑफ इक्वेशन और ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले जब हम इसको x डायरेक्शन दे रहे थे, इसको y बोल रहे थे, इस x डायरेक्शन के अलॉन्ग उस g का कोई कंपोनेंट नहीं था, उस x डायरेक्शन के अलॉन्ग इस g का कोई कंपोनेंट नहीं था, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जी एस की वैल्यू पहले जीरो जा रही थी, जी एस की वैल्यू पहले क्या हो रही थी, जीरो जा रही थी। तो वी एक्स बराबर यू एक्स था, x बराबर यू एक्स टी था, वी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर था। और y डायरेक्शन में क्या हो रहा था, y डायरेक्शन में जी का कंपोनेंट नहीं, पूरा पूरा जी था, जी का कंपोनेंट नहीं, पूरा पूरा जी था, है ना? यस सर। ठीक, समझ में आ रही बात? यस सर। देखो सर, और कुछ करना बचा नहीं है, इन इक्वेशंस का हमें लेनी है हेल्प। ठीक है, लिखना आसान है, इक्वेशन बताओ, बोलो कि आसान है। आप बस v बराबर u प्लस at लिख दीजिए, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख दीजिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax लिख दीजिए। अगर हम x डायरेक्शन की बात करेंगे तो v जो है, अगर हम x डायरेक्शन की बात करेंगे तो v की जगह पे vx आ जाएगा, u की जगह ux आ जाएगा, a की जगह ax आ जाएगा। x की जगह x ही रहेगा, u की जगह पे क्या आ जाएगा, ux आ जाएगा, a की जगह ax आ जाएगा। v की जगह vx आ जाएगा, u की जगह ux आ जाएगा, a की जगह ax आ जाएगा। ठीक है, अगर हम y डायरेक्शन की बात करेंगे तो v की जगह vy आ जाएगा, u की जगह uy आ जाएगा, a की जगह ay। ये सब वेक्टर्स हैं, टाइम तो ना वेक्टर है, टाइम तो उसके इधर, इसमें कोई कंपोनेंट नहीं होगा। x की जगह पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, u की जगह पर uy आ जाएगा, ए की जगह पर ए वाई आ जाएगा, वी की जगह पे वी वाई आ जाएगा, यू की जगह पे यू वाई आ जाएगा, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, बोलो। ठीक, और ए एक्स को क्या बोल देंगे, अभी हमने प्लस प्लस रख दिया, ठीक है, इस कंडीशन में अगर ये कुछ लिखेंगे, ए एक्स कितना हो जाएगा, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कितना कंपोनेंट है, माइनस जी साइन अल्फा है, माइनस जी साइन अल्फा है। y डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, इस y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कितना कंपोनेंट है, इस y डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, माइनस जी कॉस अल्फा, माइनस जी कॉस अल्फा। उसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी तो है ही है,
क्या इनिशियल वेलोसिटी है उसके भी कंपोनेंट हैं, उसकी स्पीड है u, उसकी स्पीड है u, u वेक्टर का x डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, u वेक्टर का x डायरेक्शन में, ये वाली x डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, ये वाली y डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, x डायरेक्शन में कंपोनेंट है u cos बीटा, y डायरेक्शन में कंपोनेंट है u sin बीटा, बोलो। यस बीटा सॉरी सुनो मेरी बात ध्यान से, अब देखो उधर प्रॉब्लम हो गई, अब सब कुछ निकल जाएगा। अब हम बोलते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग बोल देते हैं जीरो जीरो, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अगर इसका कोऑर्डिनेट जीरो जीरो है तो इसका कोऑर्डिनेट आर जीरो हो जाएगा, कॉस अल्फा कैसे हो जाएगा, आर जीरो हो जाएगा, बस इस एक्स नहीं एक्स एक्सिस के अलावा कुछ नहीं, वाई बोलो यस सर, इस नई x एक्सिस के लॉन्ग और इस नई y एक्सिस के लॉन्ग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे r मैक्सिमम होगा, अभी निकालते हैं है ना, चलो ठीक है, बस यही अभी फिलहाल के लिए ये इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एक जो पॉइंट जहां पे h मैक्सिमम होगा वहां पे हमें कुछ मालूम है क्या, जिस पॉइंट पे उसकी हाइट मैक्सिमम होगी, y कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट पे उसका मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पे कुछ हो जाएगा क्या, u sin बीटा जीरो, क्या बोल दिया ये, इस पॉइंट पे कुछ खासियत है इस पॉइंट पे सर, आर बाय टू होगी सर एक्स कोऑर्डिनेट, पता नहीं इस पॉइंट की कुछ खासियत है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट, बोलो इस पॉइंट कुछ खासियत है, सर वी वाई जीरो होगा, किसने बोली ये बात, सर श्रेयांशी, वेरी गुड, इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट इसका, भाई हमारा वाई कोऑर्डिनेट ये वाला नहीं है, हमारा वाई कोऑर्डिनेट एच है, ये हाइट एच है, एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में भी शायद यहाँ पे नहीं मालूम, शायद वो आर बाई टू ना हो, है ना, शायद वो आर बाई टू ना हो, नहीं मालूम क्या है, वाई कोऑर्डिनेट एच हो जाएगा और एच उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। एक काम करते हैं ना, दोनों को आपस में कंफ्यूज ना करें, इनको अलग अलग ही बना लेते हैं, तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे एट टॉप वाई विल बी इक्वल टू, वाई कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू एच, बोलो बोलो यस यस सर, एंड एच इज द
मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन इस पॉइंट पे वी वाई विल बी इक्वल टू जीरो, ये बात एब्सोल्यूटली राइट है। कैसे बोला श्रेयांशी? सर उसका सर वेलोसिटी का सर वाई कंपोनेंट से जीरो होगा ना? वेरी गुड सर, वो टॉप मोस्ट। अरे वाई जब मैक्सिमम होगा तो डी वाई बाई डी टी जीरो नहीं होगा? कैलकुलस? यस यस सर। ये सब वो एक्सिस चेंज कर दिए इसके थोड़ा। हाँ हाँ उसी बात है, एक्सिस चेंज हो गई है, लेकिन भाई नया वाई कोऑर्डिनेट तो यही है ना। सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट पे वाई वाई तो हम इसी की बात कर रहे हैं ना, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। वाई तो हम इस एक्स एक्सिस से दूरी ले रहे हैं ना, वाई कोऑर्डिनेट इस एक्स एक्सिस से दूरी ही तो है, और तो किसी कोई बात नहीं है ना। बोलो बोलो। yes. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भाई सिंपल सी बात है, वाई जहां मैक्सिमम होगा वहां डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। और डी वाई बाई डी टी तो वी वाई के बराबर है, है ना, वो क्या हो जाएगा? जीरो। कैलकुलस कॉमन सेंस वाली बात भी है भाई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो ना हो, जैसे यहाँ वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, एक मान लो इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, इसका इधर भी कंपोनेंट होगा, इसका इधर भी कंपोनेंट होगा, इस वेलोसिटी का इधर भी कंपोनेंट होगा, इस वेलोसिटी का इधर भी कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट जो है अगर जीरो नहीं है तो वाई इंक्रीज कर रहा होगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट होगा ही नहीं, ये पार्टिकल और ऊपर जा रहा होगा, है कि नहीं है? बोलो। यस सर। चलो अब क्या किया जाए, मुझे इस पॉइंट पे y बराबर जीरो मालूम है और इस पॉइंट पे यू वाई बराबर जीरो मालूम है, वी वाई बराबर जीरो मालूम है, y बराबर जीरो व्हेन x बराबर r। बोलो बोलो। yes. अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मुझे इस जगह पे टाइम चाहिए, सिर्फ कितना टाइम लगा यहां से यहां आने में, तो मैं उस इक्वेशन में y जीरो कर दूंगा जो कि y वर्सेस t की इक्वेशन थी, तो मुझे टाइम मिल जाएगा। बोलो। To find range, चलो चलो, तो यहां पर इन equations में क्या हम time of flight निकाल सकते हैं? क्या हम time of flight निकाल सकते हैं? Time of flight मतलब, time of flight मतलब, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कंप्लीट जर्नी में सर जो टाइम लगे जितनी देर तक वो हवा में है, ठीक। बेसिकली मुझे यहाँ का टाइम चाहिए। बोलो। यस यस सर। यहाँ का टाइम चाहिए, यहाँ का वाई मुझे मालूम है, क्या किया जाए?
इस वाली इक्वेशन में पुट y बराबर जीरो, ये वाली इक्वेशन किसी भी टाइम पर y कोऑर्डिनेट बता रही है, हम x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को अलग अलग देखेंगे, ठीक है, वेरिएबल बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉब्लम हमारी आसान हो जाएगी। तो थोड़ा ब्रेन को प्रैक्टिस करना है इतने सारे वेरिएबल्स को एक साथ डील करने में, ठीक है, रियल लाइफ में जाओगे तो रियल प्रॉब्लम करोगे, इसमें तो 6 वेरिएबल है, इसमें तो 6 इक्वेशन है, वहाँ 50 इक्वेशन आएंगे। एक्चुअल जब करोगे ना इंजीनियरिंग, यहाँ तो 2 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ रहा है, एक्स वाली और वाई वाली। एक्चुअल जब करोगे इंजीनियरिंग तो 50 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, 50 क्या 500 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप लोग मालूम है जो कंपनियाँ होती हैं माइक्रोसॉफ्ट है ना, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो सॉफ्टवेयर वाली होती हैं, वो कोई सॉफ्टवेयर बनाती हैं, कोई ऐप बनाती हैं, है ना, तो आपको मालूम है काम कैसे होता है, क्या एक ही आदमी पूरा ऐप बनाता है क्या? क्या करते होंगे एक ऐप के छोटे से पार्ट के लिए एक टीम होती है, ठीक है, ब्लॉक में जैसे ब्रेक कर लेते हैं, मतलब क्या चीज, क्या मतलब पूरे फंक्शंस को ब्लॉक में सब जैसे ब्रेक करके सबको टीम में ब्रेक कर देते हैं उस, हाँ टीम में ब्रेक कर लेते हैं, टीम में ब्रेक कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट पे लोग काम करते हैं, और एक छोटे से पार्ट में भी 50 वेरिएबल होते हैं, 50 चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, है या नहीं है? आपको अगर ऐप खोलना हो तो आपको समझ में आ जाएगा एक बार में, ये तो नहीं कि हर आदमी एक ही पर्पज से ऐप खोलेगा, वो है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या करना है, पुट y बराबर जीरो, y बराबर जीरो, ये क्वेश्चन क्या बता रही है, किसी भी टाइम पर y बता रही है और किसी भी y पर टाइम बता देगी, तो y बराबर जीरो, यहाँ y कितना है, जीरो है, हम टाइम क्या निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा टाइम, बोलो टाइम ऑफ लाइट कितना आएगा, सर 2UY/GY, अरे तो पहले भी देखा हुआ था, है ना, है ना, ठीक, टाइम ऑफ लाइट अभी यही रहने दे उसको, ठीक है, अभी अभी कॉस अल्फा कॉस बीटा मत लिखें, अभी यही रहने दीजिए, ठीक है, फिर बात करते हैं to find maximum height, h कहां से, from inclined plane maximum height पे क्या जीरो है, vy, तो जहां पे vy जीरो है वहां का मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए, बोलो जहां vy जीरो है वहां का मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए, बोलो कोई तरीका है, थर्ड इक्वेशन हमें किसी भी y पर vy दे देता है, या उल्टा किसी भी vy पर y दे देगा, जब vy जीरो है तो मुझे y निकालना है, थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं फटाफट, पुट vy बराबर जीरो एंड देयरफॉर y विल बी इक्वल टू h विल बी इक्वल टू क्या,
यू स्क्वायर वाई बाय टू जी वाई यू स्क्वायर यू वाई स्क्वायर है यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी वाई ठीक है। देखो सर ये क्वेश्चन तो हर जगह आती रही पहले भी, जब हमने किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका था मोशन वन डायमेंशन में तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट आया था टू यू बाई जी आया था। बोलो यस सर यू स्क्वायर बाई टू जी आई थी। जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका था यू वाई वेलोसिटी इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट था तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट आया था टू यू वाई बाई जी, उसकी मैक्सिमम हाइट आई थी यू वाई स्क्वायर बाई टू जी। बोलो यहाँ पे यू जो है वो पूरा वाई एक्सिस में था, जी जो है वो पूरा वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो मुझे कंपोनेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी। यहाँ पे यू का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, यू पूरा वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं है लेकिन जी पूरा वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो मुझे जी के कंपोनेंट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी, है ना। बोलो और यहां क्या हो गया था yes. यहां क्या हो गया था U का भी वो ये हो गई है ठीक है, हमारी y एक्सिस ही चेंज हो गई है ठीक, हमारी y एक्सिस ये हो गई है। U का भी कंपोनेंट है y एक्सिस के लॉन्ग यू वाई और g का भी कंपोनेंट है y एक्सिस के लॉन्ग क्या जी वाई। बोलो यू कंपोनेंट है वाई एक्सिस के लॉन्ग, जी का भी कंपोनेंट है वाई एक्सिस के लॉन्ग, यू पूरा वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, यू का एक कंपोनेंट वाई, हमारी नई वाई एक्सिस के लॉन्ग की बात हो रही है, यू का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग है, जी पूरा वाई एक्सिस इस नई वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, जी का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया टू यू वाई अपॉन जी वाई, मैक्सिमम हाइट आ गई यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी वाई। बोलो यस तो अब मुझे क्या क्या मालूम है, अब मुझे यहां का टाइम मालूम है, यहां का मैक्सिमम हाइट मालूम है, उसके अलावा हम यहां का टाइम भी निकाल सकते हैं, टाइम एट द टॉप, टाइम एट द टॉप यू कैन ऑल्सो फाइंड टाइम एट द टॉप कैसे, वी वाई को जीरो करके। बोलो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, टाइम यू वाई बाई जी आ जाएगा, इसको बोल सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट। इसको बोल सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट। बोलो इतना ही टाइम आने और जाने दोनों में लगेगा। हाँ बिल्कुल, ऊपर आने जाने वाली बात नहीं है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। भाई सिंपल सी बात है, वाई एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू वाई थी, उसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग क्या था जी वाई था, जी वाई जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट है ना, तो उस नई वाई एक्सिस के अलोंग उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो
उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो जितने देर तक ऊपर जाएगा उतने देर तक नीचे भी आएगा। बोलो, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो ध्यान से एक बात समझने के लिए। एक काम करते हैं, यहां से गिराते हैं लाइट, इस वाई एक्सिस पे शैडो कैसे बिहेव कर रही होगी? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं, उसका कुछ कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का। द शैडो ऑन दिस न्यू वाई एक्सिस वो यू वाई वेलोसिटी से जा रही होगी, वो यू वाई वेलोसिटी से जा रही होगी, बोलो, और उसका एक्सेलरेशन जी वाई होगा। है या नहीं? हमें पूरे मोशन को देखना ही नहीं है, हमें बस इस शैडो को देखना है, हमें पूरे मोशन को देखना ही नहीं, हमें बस इस शैडो को देखना है। इस शैडो की इनिशियल वेलोसिटी कितनी इस डायरेक्शन में, इस शैडो की इनिशियल वेलोसिटी कितनी इस डायरेक्शन में, यू वाई, बोलो, इस शैडो का कितना एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, जी वाई, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट भी कांस्टेंट है, अगर वेक्टर कांस्टेंट है तो किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट कांस्टेंट है, यू वाई इधर वाले वेलोसिटी है, कंपोनेंट है, और जी वाई, तो ये कैसे जाएगा? ये आप बाकी सब भूल जाइए, सिर्फ इस कंपोनेंट पे ध्यान दीजिए, सिर्फ इस डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए, इसकी वेलोसिटी अगर वी वाई है, इसकी वेलोसिटी अगर जी, इसका अगर एक्सेलरेशन जी वाई है, तो कितने देर तक हवा में रहेगा ये? 2uy/gy, बोलो, yes, कितनी मैक्सिमम हाइट होगी? uy²/2gy, और जितने देर तक ऊपर जाएगा उतने देर तक नीचे भी आएगा, कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, कंपोनेंट बताओ, बोलो, कांस्टेंट इस पार्टिकल का डीएक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, बोलो, बस, और कुछ बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? यस, ये हो गई वाई डायरेक्शन में। फॉर्मूला याद कर लो, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? आप किसी भी तरीके से आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, बिना समझ के या समझ के, समझना फायदेमंद है। मैंने बोला वैसे भी कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन एडवांस में इसके ऊपर नहीं आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक? अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फॉर्मूले तो याद करने ही करने, और देखो फॉर्मूले याद करना कितना आसान है, अगर आपने यहाँ फॉर्मूला याद कर लिया होगा, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया होगा तो आपको ये वाला याद हो जाएगा, अगर ये दोनों याद हैं तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब जो फर्क है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस में पार्टिकल का डी एक्सेलरेशन है, पहले नहीं था, पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग जी का कोई कंपोनेंट नहीं था, लेकिन इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग जी का कंपोनेंट है। बोलिए, बोलिए, yes. है ना? yes, yes, तो अगर मुझे अब ये रेंज निकालनी,
to find range. इस प्रॉब्लम में टू फाइंड दिस रेंज मुझे बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए है या नहीं. एक्स कोऑर्डिनेट तो रेंज है, इस समय का एक्स कोऑर्डिनेट ही तो रेंज है. रेंज इज एक्स कोऑर्डिनेट of the time when object falls back on inclined plane. Bolo haan ya na? Yes. Kaise nikale x coordinate? So second equation की values रख देंगे, so time of flight. Second equation? So second equation में sir time of flight रख देंगे. Very good. इस समय का time हमें मालूम है. Time इस समय का 2uy by gy. इस समय का x निकालना है और x की equation ये थी. ठीक है भाई, पहली वाली इक्वेशन से तो एक्स नहीं आएगा, दूसरी वाली इक्वेशन में उस समय का वी एक्स हमको मालूम नहीं है, तीसरी वाली इक्वेशन में उस समय का वी एक्स हमको मालूम नहीं है. तो इस सेकंड वाली इक्वेशन से ही हमें उस समय का टाइम, किसी भी ये इक्वेशन क्या बता रही है, किसी भी टाइम पर उस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट बता रही है ना. हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को क्या करते हैं, सेपरेटली देखते हैं. हम पूरे पूरे मोशन को डिस्कस ही नहीं करते, हम उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को मेंटली सेपरेट कर लेते हैं. ये क्वेश्चन क्या बता रही है, किसी भी टाइम पर उस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट, हमें उस समय का टाइम मालूम है जब वो गिरा था, तो हम इस इक्वेशन की मदद से क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकल की रेंज निकाल सकते हैं. एक्स बराबर क्या इक्वेशन थी, एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में पुट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी. बोलो बोलो. यस ठीक. अब सुनो मेरी बात, ये जो इससे वी विल गेट एक्स बराबर आर, ये जो फॉर्मूला आता है कि हमको याद तो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रेंज वाला फॉर्मूला याद तो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक बार वो एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करनी पड़ेगी. ठीक, तो लेट अस डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ रेंज. रेंज विल बी इक्वल टू यू एक्स इंटू टू यू वाई बाई जी वाई. ये जी एक्स है ये बेटा, जी एक्स है ये, माइनस हाफ जी एक्स टू यू वाई बाई जी वाई का होल स्क्वायर. बोलो. यस यस सर. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, रेंज बराबर टू यू एक्स यू वाई बाई जी वाई माइनस ये स्क्वायर है टू का, यहां डिवाइड बाय टू है, टू यू वाई स्क्वायर जी एक्स अपॉन जी वाई स्क्वायर आ जाएगा. बोलो बोलो. यस यस. और थोड़ी सिंप्लीफाई किया जाए, इसमें से टू यू वाई बाई जी वाई कॉमन ले लिया जाए. काम तो क्या पहले भी कर सकते थे, कॉमन ना लिया जाए. इसको ऐसे पुट कर देते हैं, जी वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो टू या एक छोड़ दे यार, फालतू में एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया, प्लस टेक टू यू वाई बाई जी वाई एस कॉमन यू एक्स माइनस
क्या हो जाएगा? जी एक्स यू वाई बाई जी वाई, यू वाई एक यू वाई बचेगा यहाँ पे, जी एक्स बाई जी वाई, बोलो सो क्या बोला जाए, टू यू वाई बाई जी वाई का होल स्क्वायर बोल दिया जाए, यू एक्स जी वाई माइनस यू वाई जी एक्स आ जाएगी रेंज। बोलिए बोलिए। यस सर। क्या आ गया रेंज का फॉर्मूला। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या, कि जी एक्स और जी वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जी एक्स और जी वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान रखते हुए कि एक्स एक्सिस कौन सी थी, वाई एक्सिस कौन सी थी। ये वाला एंगल अल्फा बोला गया था, बोलो। यस यस। बीटा बोला गया था, ये वाला एंगल बीटा बोला गया था, है ना। तो यूएक्स इसके बराबर था, यूएस उसके बराबर था, यू कॉस बीटा के बराबर था, यू वाई किसके बराबर था, यू साइन बीटा के बराबर था, जी एस किसके बराबर था, हमने पहले ही नेगेटिव ले लिया था, हमने साइन इक्वेशन इक्वेशन लिखते वक्त ही हमने यहाँ पर नेगेटिव ले लिया था। तो जी एस किसके बराबर था, जी एक्स बराबर था जी साइन अल्फा, जी वाई बराबर है जी कॉस अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, क्या मिल जाएगा, आर बराबर टू यू वाई के जगह पर यू साइन बीटा, जी वाई स्क्वायर के जगह पर जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। बोलो ठीक है, इनटू यू एक्स जी वाई यू कॉस बीटा जी कॉस अल्फा माइनस, सॉरी जी साइन अल्फा ना, यू एक्स जी वाई तो है सही, ठीक तो है, यूएक्स कितना है, यूएक्स है जी कॉस अल्फा, यू कॉस बीटा, जी वाई कितना है जी कॉस कितना अल्फा माइनस यू वाई कितना है यू साइन बीटा, यू वाई कितना है u sin beta into gx, gx कितना है g sin alpha। बोलो yes, इसमें से क्या आ जाएगा, एक u और g बाहर आ जाएंगे, u और g वाले फैक्टर कॉमन है, u और g वाले फैक्टर बाहर आ जाएंगे, तो रेंज बराबर क्या आ जाएगा, 2u square साइन बीटा अपॉन जी भी बाहर आ जाएगा, इसमें जी स्क्वायर है तो जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में,
और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, रेंज फॉर्मूला अप द इंक्लाइन प्लेन। अप द इंक्लाइन प्लेन बोलो, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन प्लेन। डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर होगा, जी स्क्वायर नहीं होगा, जी ही होगा सिर्फ, यहाँ भी तो एक जी था, यहाँ पे भी तो, ये भी तो जी था एक, तो जी स्क्वायर से कैंसिल हो गया अलर्टम। बोलो, ये फॉर्मूला एस सच मैं बोलूंगा याद करने की रिकमेंड नहीं है, ठीक है, इसको याद करने की जबरदस्ती दिमाग में लोड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कहीं आते नहीं है, ठीक है। हाँ, हमने कैसे यहाँ तक पहुँचे वो हमें समझना जरूरी है, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हमको आनी इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, समझ में आ रही है बात। This is formula not to be remembered, need not be remembered. मैं बोलूंगा ठीक है, स्कूल लेवल पे तो है नहीं ऐसा कुछ, मेंस एडवांस देने जाओगे तो डेरिवेशन कहीं आएगी नहीं है ना, और अगर क्वेश्चन आया मेंस में, मेंस में भी क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं, एडवांस में अगर कभी क्वेश्चन आया तो फार्मूला बेस्ड तो कम से कम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी को फार्मूला मालूम है तो फट से निकालेगा आंसर आगे बढ़ जाएगा, ठीक, अंडरस्टैंडिंग बेस आएगा, अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए। इतना पार्ट हम चाहें तो फटाफट ड्राइव भी कर लें, मैंने समझाया इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया है। क्या करना है भाई, एक्स वाली इक्वेशन में क्या पुट करना है, एक्स वाली इक्वेशन में क्या पुट करना है, टी बराबर टी में क्या पुट कर देना है, टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर देना है, ठीक है, ठीक है, याद कर लोगे तो हो सकता है कुछ सवाल फटाफट हो जाए बस, लेकिन हाँ मैंने क्या बोला आप लोगों को, हमारे फंडामेंटल्स हमने कैसे वहां पे अप्रोच किया है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो कोई भी सवाल सिर्फ फॉर्मूले से अगर कर रहे हैं उससे फॉर्मूले से अगर लग भी जा रहा है तब भी एक बार उसमें हम किसी सवाल में डेरिवेशन हर बार ट्राई करेंगे कि इस फॉर्मूले को ड्राइव करें क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है, उस क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब उसमें एंगल दे रखा है अल्फा बराबर 30 डिग्री बीटा बराबर 60 डिग्री ऐसा कुछ दे रखा है, उस क्वेश्चन को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटल से क्वेश्चन करेंगे, मेन बात ये। सुनिधर, अब एक इंटरेस्टिंग बात कि ये रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे हो, दिस रेंज will be maximum for what angle beta, भाई हमने what we can choose the angle beta, जहां मन करे वहां फेंक दें beta angle को, ठीक, जिस एंगल पे चाहे उस एंगल पे फेंक दें आपको, लेकिन अब द इंक्लाइन प्लेन फेंकना है, आपका टारगेट क्या है, जमीन पे नहीं, आपको इस इंक्लाइन प्लेन पे उस पार्टिकल को पहुंचाना है, लेस देन मोर देन वाली बात तो अलग है,
ये वाला एंगल अल्फा है, हमने हमारी चॉइस अल्फा की नहीं है, हमारी चॉइस यू की नहीं है, हमने क्या किया फॉर ए द रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल, फॉर व्हाट एंगल बीटा, इसके लिए फॉर ए पर्टिकुलर यू एंड अल्फा, एक इंक्लाइन प्लेन पे आपको एक पत्थर को फेंकना है, आप चाहते हो कि आप उसको मैक्सिमम दूरी तक पहुंचा दो, ठीक है, आप चाहते हो कि आप उसको एक मैक्सिमम दूरी तक पहुंचा दो, किस एंगल पे फेंकोगे, अल्फा की चॉइस आपके पास नहीं है, आप इंक्लाइन प्लेन का एंगल नहीं कर सकते हो चेंज, है ना, आप उसको अलग अलग एंगल पे फेंक सकते हो, ऐसे फेंक सकते हो, ऐसे फेंक सकते हो, ऐसे फेंक सकते हो, किस एंगल पे फेंकोगे ताकि उसकी मैक्सिमम रेंज आए, ये सवाल है। एंगल कितना छोटा हो सकता है, ज्यादा रेंज होगी, छोटा होगा, कितना छोटा होगा, जीरो हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 90 से छोटा होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा 90 से कम होना चाहिए सर, क्योंकि 90 हो जाएगा तो वो उसी पॉइंट पे आप अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाएगा, 90 होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है भाई, यहाँ दो वेरिएबल बीटा यहाँ पे भी है, बीटा यहाँ पे भी है, दोनों का प्रोडक्ट है, यू की चॉइस हमारी नहीं है, जी की चॉइस हमारी नहीं है, अल्फा की चॉइस हमारी नहीं है, वो दे रखा है, बीटा कर लिया जाए ताकि रेंज मैक्सिमम हो जाए, कैसे करेंगे सवाल, दिमाग काम नहीं कर रहा अभी ना, बीटा क्या लेंगे ताकि रेंज मैक्सिमम हो जाए, इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या बीटा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, एक तरीका है, अल्फा यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, अल्फा कांस्टेंट है, यस, वन वे कुड बी डी आर बाई डी बीटा निकाला जाए विथ रिस्पेक्ट टू बीटा, डिफरेंशिएट कर दिया जाए को जीरो के बराबर कर दिया जाए, ठीक, मैं दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए, ध्यान रखना चीजों का, ध्यान रखना कैसे करते हैं, कौन सा रूल लगाना पड़ेगा इसको बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि एक बीटा यहाँ पे भी, एक बीटा यहाँ पर भी, सर बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है, और क्या, ये सब कांस्टेंट है, साइन बीटा का डेरिवेटिव कॉस बीटा हो जाएगा, और कॉस अल्फा प्लस बीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव को जीरो करना पड़ेगा। सेकेंड तरीका है, वो काम करने की इस केस में रिकॉमेंड नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कई बार डिफरेंशिएट करने की रिकॉमेंड नहीं पड़ती है, हम इसी वाले फॉर्मूले में हमें एक चीज मालूम है कि साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, और साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, तो एक काम करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू कितना आ जाएगा, साइन ए कॉस बी हो जाएगा, बोलो बोलो, yes, बोलो। yes. यहां ए बराबर क्या ले लिया जाए, बीटा ले लिया जाए, और बी बराबर क्या ले लिया जाए, ए बराबर अल्फा, बीटा ले लिया जाए और बी बराबर
अल्फा प्लस बीटा ले लिया जाए ना यार, मुझे ये टर्म निकालना है ना, साइन ए कॉस बी निकालना है, बोलो साइन ए कॉस बी निकालना है ना, तो बी बराबर क्या ले लिया जाए, अल्फा प्लस बीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, साइन बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय टू बराबर हो जाएगा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, बोलो बोलो, यस सर, ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, बोलो है ना, यस यस सर, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, बीटा ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक तो मैथ्स में पढ़ ली ना आप लोगों ने, यस सर, यस सर, यस सर, ये तो बच्चों बच्चों वाला गेम है ना, ट्रिग्नोमेट्री अगर मैथ्स में कर ली, असाइनमेंट कर ली, फिर तो ये तो कुछ लग ही नहीं रहा होगा, तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो फिर भी लंबे तरीके से किया है, साइन ए इंटू कॉस भी निकाल सकते हैं आप लोग, साइन ए इंटू कॉस भी निकालना है, किसके बराबर होगा, साइन ए प्लस बी साइन प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई टू होगा, तो साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना है, किसके बराबर होगा, साइन बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा माइनस बीट माइनस, है ना, ये टर्म क्या हो जाएगा, बीटा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा टर्म, क्या जाएगा, साइन अल्फा प्लस टू बीटा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय टू बराबर साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, बोलो बोलो, यस सर, अब सुनो मेरी बात, काम कर सकते हैं रेंज वाले फॉर्मूले में, रेंज वाले फॉर्मूले में इसको हटा के ये घुसा दिया जाए, कोई दिक्कत है क्या इससे, टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा, कर सकते ना ऐसे, yes. इसको करने का फायदा क्या हुआ, अब सिर्फ एक ही बार बीटा है, सिर्फ एक ही जगह पे बीटा है, यहां भी अल्फा है, यहां भी अल्फा है, कहीं और अल्फा नहीं है, कहीं और बीटा नहीं है, और ये मैक्सिमम कब होगा, अब बताओ, आर विल बी मैक्सिमम व्हेन, R will be maximum when alpha plus 2 beta बराबर 90 degree, ठीक है ठीक है, ये कब का, ये कब का आंसर है, और रेंज मैक्सिमम कितनी होगी, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा वन माइनस साइन अल्फा, बोलो बोलो बोलो, यहां वन पुट कर दिया हम लोगों ने, वन माइनस साइन अल्फा, अब वन माइनस साइन अल्फा यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा इज, कॉस स्क्वायर अल्फा इज वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा,
वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो फॉर्मूला और सिंप्लीफाई हो गया, आर मैक्स विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी वन प्लस साइन अल्फा एट बीटा बराबर किस एंगल पर, बीटा बराबर किस एंगल पर, 90 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2, 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, बोलो बोलो, यस 45 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ये एक यूजफुल इक्वेशन है, उसके ऊपर आप बुकलेट में कई क्वेश्चन देखोगे, फॉर्मूला याद होगा तो कर लोगे, इसको आसान याद करना भी आसान है या नहीं है, इसको याद करना भी तो आसान है, बोलो ये तो मैक्सिमम कब होती है, ये तो याद ही करना पड़ेगा कि रेंज मैक्सिमम कब होती है, 45 पे नहीं होती है, 45 से थोड़े से कम पे होती है, थोड़ा सा कम तो नहीं बोल सकते आंसर में ना, ठीक है बोलिए, यस सर, समझ में आई बात, फोर्टी फाइव माइनस अल्फा बाई टू, बोलो यस yes.